दोस्तों, क्या आपको पता है कि वीवो की तरफ से अब हमें बहुत ही जल्दी वीवो Y50 देखने को मिलेगा। और अब इस फोन की वीडियो और पोस्टर लीक हो चुका है, जिससे कि ये पता चलता है कि इस बार वीवो Y50 में हमें देखने को मिलेगा स्नैपड्रैगन 665 का चिपसेट, 5000 mAh की एक बड़ी बैटरी और भी बहुत कुछ। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे वीवो Y50 के बारे में और जानेंगे इस फोन के डिजाइन के बारे में, इसमें क्या कुछ स्पेसिफिकेशन मिलने वाला है और जानेंगे इस फोन की प्राइस क्या होने वाला है और लॉन्च डेट के बारे में। सो फ्रेंड्स, अगर आप लोग भी जानना चाहते हैं ज्यादा वीवो Y50 के बारे में तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। सो फ्रेंड्स, लेट गेट स्टार्टेड। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले अगर बात किया जाए इस फोन की डिजाइन के बारे में तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा 6.53 इंच की एक फुल एचडी प्लस IPS डिस्प्ले, जो की डिस्प्ले साइज में बहुत ही बड़ा होने वाला है, जो की सिंगल पंच होल डिस्प्ले के साथ आता है। उसी के साथ ही यहाँ पर आपको मिल जाएगा फेस अनलॉक का फीचर। इसी के साथ ही फ्रेंड्स, अगर बात किया जाए इस फोन की बैक पैनल की तो बैक पैनल में यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा पॉलीकार्बोनेट का बैक, जो कि 3D ग्लॉसी ग्रेडिएंट फिनिशिंग के साथ आने वाला है। और यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा क्वाड रियर कैमरा का सेटअप और फिजिकल फिंगरप्रिंट सेंसर। उसी के साथ ही फ्रेंड्स, अगर बात किया जाए इस फोन की कैमरा के बारे में तो यहाँ पर रियर साइड में आपको देखने को मिलेगा क्वाड रियर कैमरा का सेटअप, जिसका मेन सेंसर होने वाला है 13 मेगापिक्सल का, जो की f/1.8 अपर्चर के साथ आएगा। इसी के साथ ही यहाँ पर आपको मिल जाएगा 8 मेगापिक्सल का एक अल्ट्रा वाइड लेंस, 2 मेगापिक्सल का एक डेप्थ सेंसर और 2 मेगापिक्सल का एक माइक्रो लेंस भी मिलने वाला है। साथ ही फ्रेंड्स, अगर बात किया जाए इस फोन की फ्रंट कैमरा के बारे में तो फ्रंट कैमरा में यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा 16 मेगापिक्सल का एक सेल्फी कैमरा, जो आपको पंच होल डिस्प्ले के अंदर देखने को मिलेगा, जो कि f/2.0 अपर्चर के साथ आता है। इसके बाद फ्रेंड्स, बात आती है इस फोन की प्रोसेसर की। तो प्रोसेसर में यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा स्नैपड्रैगन 665 का चिपसेट, जो कि एक ऑक्टाकोर प्रोसेसर है और ये प्रोसेसर बहुत फास्ट प्रोसेसर है। अगर आप गेमिंग करते हो तो आपके लिए वीवो Y50 एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। साथ ही यहाँ पर आपको मिल जाएगा एंड्रॉइड 10 का सपोर्ट, जो कि रन करेगा फंटच ओएस के ऊपर। इसी के साथ ही फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको इस फोन की एक ही रैम वेरिएंट देखने को मिलेगा, जो कि होने वाला है 8GB रैम, 128GB इंटरनल मेमोरी। उसके बाद फ्रेंड्स, अगर बात किया जाए इस फोन की बैटरी के बारे में तो बैटरी में यहाँ पर आपको मिलने वाला है 5000 mAh की एक बड़ी बैटरी, जो की 18 वाट के डुअल इंजिन फास्ट चार्जिंग के साथ आता है, जिसके थ्रू आप अपने फोन को बहुत ही क्विक चार्ज कर पाएंगे। उसी के साथ ही यहाँ पर आपको मिल जाएगा USB टाइप सी पोर्ट, 3.5 mm का हेडफोन जैक, डेडिकेटेड माइक्रो एसडी स्लॉट और आउट ऑफ द बॉक्स आपको एक 18 वाट का फास्ट चार्जर भी मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स, अगर देखा जाए तो यहाँ पर आपको बैटरी और चार्जिंग को लेकर कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। सो फ्रेंड्स, लास्ट में अगर बात किया जाए इस फोन की प्राइस और लॉन्च डेट के बारे में तो फ्रेंड्स, वीवो Y50 का प्राइस इंडिया के अंदर होने वाला है 17 से 19 हजार के अंदर, जहाँ पर आपको मिल जाता है स्नैपड्रैगन 665 का चिपसेट, 5000 mAh की एक बड़ी बैटरी, क्वाड रियर कैमरा का सेटअप और भी बहुत कुछ। तो फ्रेंड्स, अगर देखा जाए तो वीवो की तरफ से एक अच्छा ऑप्शन होने वाला है। इसी के साथ ही फ्रेंड्स, अगर बात किया जाए इस फोन की इंडियन लॉन्च डेट के बारे में तो फ्रेंड्स, वीवो Y50 का इंडियन लॉन्च डेट के बारे में अभी तक कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं आया है, लेकिन बहुत ही जल्दी इस फोन को इंडिया में लॉन्च किया जाएगा। तो फ्रेंड्स, ये थी वीवो Y50 की डिजाइन, स्पेसिफिकेशन, प्राइस और लॉन्च डेट के बारे में कुछ जानकारी। सो फ्रेंड्स, अगर आपके पास कोई भी क्वेश्चन है इस फोन के रिगार्डिंग तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हो। सो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप गाइस आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।